आप लोग कहाँ से? छत्तीसगढ़ से आए ना? हाँ, छत्तीसगढ़ बस्तर। छत्तीसगढ़ बस्तर से जी। और ये जो आपने जो क्राफ्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बनाया या आपने खुद बनाया? खुद का बनाया है। आप लोग खुद बनाते जी हैं? जी। अच्छा, यहाँ फिर हर साल मेले में आप आते हैं? हाँ, मैं 87 से आ रहा हूँ, मतलब बीच में कभी कभी गैप हो जाता है। अच्छा। और बाकी एक दो साल तीन साल के बाद बुलाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, सरकार या तो फिर ये आपका टूरिज्म की तरफ से। हाँ हाँ हाँ। तो वो उसमें आते हैं। छत्तीसगढ़ भी बहुत अच्छा जगह है, मतलब वो स्टेट अगर कोई घूमना चाहे तो बहुत कुछ वहाँ पे घूमने के लिए है छत्तीसगढ़ भी। हाँ जी, वो बस्तर एक ऐसा जगह है कि उसको मतलब पवित्र भूमि मानते हैं, और वहाँ पर आदिवासी लोग होते हैं, भोले भाले होते हैं। तो वहाँ पर घूमने के लिए बहुत मतलब टूरिस्ट विदेशी लोग भी आते हैं और घूमते हैं, देखते हैं। चित्रकूट है वहाँ के, मतलब भगवान का, देवी देवताओं का मंदिर वगैरह भी है। वो पहाड़ है बहुत, मतलब उसमें घूमने के लिए झरना है चित्रकूट। अच्छा, ये सब जो आप बनाते हैं, देखिए मेले में मुझे सबसे मतलब अलग सा दिखा, कुछ यूनिक सा, तो आप ये क्या सोचकर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं ये? सर ऐसा है, ये जो है ना, ये पाषाण युग के बाद लोह युग आया। तो पाषाण युग के समय आदि मानव जंगलों में रह करके, गुफाओं में रह कर, कंदमूल खा के, शिकार करके पेट पालते थे। बिल्कुल, वो भारत के इतिहास में भी साक्षी है। और जब हमारे पूर्वजों ने, आदि मानव थे तो वो जंगलों में रहते थे, तो ये शिकार करने के लिए गए हुए थे, तो ये लोहा निकालने का जो प्रक्रिया है उन्होंने सीखा। वो जो सामने भट्टी रख जैसा लगा है उसमें बैनर में, वो वैसा भट्टी बना, पत्थर और कोयला से लोहा निकालना बगैर मशीन के कुछ भी नहीं उस ज़माने में। तो वो बना करके फिर लोह युग का आविष्कार हुआ। फिर उस समय तीर, शिकार करने के लिए तीर, कमान, भाला, बर्छी, के उसके बाद कृषि विस्तार हुआ तो कृषि औजार बनाना शुरू किए। उसके बाद देवी देवता, मतलब अपना संस्कृति के बारे में उनको जानकारी हुआ, तो फिर वो अपना देवी देवता के लिए, मंदिर के लिए ये सब सामान पूजा के लिए, जैसे दिया है और कुछ त्रिशूल है, भाला बर्छी वगैरह सब चीज़ वो बनाना, मतलब वो। फिर मैं क्या हुआ, मैं थोड़े समाज में, अपने परिवार में थोड़ा पढ़ा लिखा था, और मतलब फिर मेरे को बोले कई लोग, मैं शुरू में मैं वहाँ पर गांव में काम करता था, तो मेरे को रायपुर बुलाया गया, रायपुर से धार, इंदौर, झाबुआ होते हुए मेरे को डायरेक्ट यहाँ दिल्ली बुलाया गया। अच्छा। दिल्ली बुला करके इंदिरा गांधी और उनके सलाहकार प्रफुल्ल जयकर जी, मैं प्रगति मैदान में, उन्होंने मतलब मेरा काम, मतलब एक महीने का वर्क साफ था, तो उन्होंने वहाँ पर इनॉग्रेशन किया। अच्छा। और बोले कि आप ऐसा चीज़ बनाते हैं, यहाँ इंडिया के लोग मेड इन चाइना, मेड इन लंदन, मेड इन स्कॉटलैंड, मेड इन स्विट्ज़रलैंड, मेड इन दुनिया के बोल करके बाहर वाले सामान मंगाते हैं मशीन से बना हुआ, और जब वो मुंह मांगे पैसा देते हैं तो हमारे इंडियन उसको ख़रीद लेते हैं। ये ऐसा चीज़ है आप जो बनाते हैं, वो मैंने, आप नहीं रहेंगे तब भी ये रहेगा आपका बनाया हुआ चीज़। तो आप एक भारत के मतलब पहला आदमी हैं, तो ये ऐसा चीज़ आपके बनाया हुआ चीज़ को हम मेड इन इंडिया करके नाम उसमें विश्व प्रसिद्ध मार्केट में उसको डिस्प्ले करेंगे और पब्लिक सिटी करेंगे। तो फिर आप ऐसा चीज़ बनाओ, कुछ डेकोरेट भी हो, कुछ यूटिलिटी भी हो, जैसे ये दिया है, कुछ और भी फोटो फ्रेम है, घड़ी फ्रेम है, और कई प्रकार के जैसे टेबल, कुर्सी वगैरह सब सारा चीज़ मेड बनाते हैं हम। मैं मैंने सभी चीज़ बनाता हूँ ऑर्डर होने पे, तो वैसा काम। अच्छा, ऑर्डर मिलता तो जी, वो तो वो काम शुरू किया। तो फिर बाद में फिर मेरे को 87 में नेशनल अवार्ड मिला, 92 में बाबा साहब नेशनल अवार्ड मिला। हाँ, 87 में नेशनल अवार्ड मिला, 92 में बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल अवार्ड मिला। फिर प्रतिभा पाटिल गई थी चित्रकूट, वहाँ जब बस्तर घूमने के लिए, तो उन्होंने मेरे को सम्मान किए, बेंगलोर में बुला करके अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, वो फिर सम्मान किए, इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ गोल्डन जुबली, कलाश्री तीन बार तो यहीं सूरजकुंड से मिला है, कला निधि एक बार यहीं सूरजकुंड से मिला है, कमला देवी चट्टोपाध्याय और अलग अलग स्टेट का राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों का बहुत सारा सम्मान मिला हुआ है ये भारत में। सर आप काम ही ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल सम्मान वाली बात है। ये सब चीज़ें ना हमारे देश से धीरे धीरे, आप सही बोल रहे हैं, मतलब गायब होती जा रही थी, गायब होती, मतलब ये चीज़ अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने यहीं आकर देखा, ये मैंने किताबों में देखा था कि हाँ इस तरह के कुछ होते थे लोहे के ऐसे आकृतियाँ, बट यहाँ पर आने के बाद मैंने ना सर ये सब सिंगल पीस में बनाते हैं, कटिंग करके, काट काट करके लोहा जो तैयार करते हैं अपन, ये ट्रेडिशनल फर्नीस, ये मिट्टी का होता है, दो तीन तीन फीट का होता है, ये भी मिट्टी का होता है, जिससे सपोर्ट के लिए लकड़ी का वो खूब गाड़ देते हैं। ये जो ढुकनी है ना, ये लकड़ी का होता है नीचे वाला, ये ऊपर लेदर का उसको कवर करके बांध देते हैं, और बांस का डंडी देते हैं हवा पे अंदर जाने के लिए,
फिर यहाँ ये जो भट्टी है ना, इसमें एक मिट्टी का पाइप बना करके उसको डाल देते हैं और पैर में लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट वो मतलब दबाते हैं, तो एकदम इधर से पत्थर और कोयला डालते हैं तो ये जम पिघल करके यहाँ पर जम जाता है लोहा, मतलब नीचे से बैठता है तो इधर एक साइड से मैल निकलता है। मैल मैल को बारी बारी श्रृंगार करके इसको 7 घंटा 8 घंटा रात को करते हैं पुआखे में भी, फिर उसको तोड़ करके दूसरा भट्टी में रिफाइन करके फिर सीट बना यहाँ पर जो रही है रिफाइन हो रहा है जी, यहाँ जो लोहा मिला है उसको यहाँ पे रिफाइन हो ऐसा करके फिर उसके बाद फिर अपना इस तरह से जो भी बनाना हो जी वो आराम से बन जाता है। ऐसे बड़े बड़े पीस भी बनाता हूँ मैं, जैसे ये सब ताज होटल में है बॉम्बे में, ये मंगल को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। हाँ, APJ अब्दुल कलाम जी ने इनको अवार्ड दिया हुआ है, कई सारे अवार्ड मिले हुए हैं। ये देखिए ये छत्तीसगढ़ राज्य हुआ ना, तो अपना नया ना मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ राज्य हुआ, तो हमारे यहाँ CM अजीत जो जी थे ना, तो वो बोले कि सोनाधर जी आप एक काम कीजिए, यहाँ पर मतलब जितने भी स्वागत गेट बनाते हैं जो किराए भंडार से लकड़ी के बनते हुए लकड़ी का और फिर कपड़े का भी और क्या जूट का क्या सभी प्रकार के बनाते हैं, तो वो उसको निकाल के बाद में फेंक देते हैं। आप ऐसा चीज़ बनाएं ये कि आपके नहीं रहने से भी और इंडिया नहीं कहीं भी नहीं बना है ऐसा चीज़, वैसा चीज़ बना तो ये बनाया और इसको ला करके मैं वहाँ इसका सोनिया गांधी जी गई थी इनॉग्रेशन के लिए, तो ये है वो मतलब फिर रायपुर अभी म्यूजियम में रखा हुआ है। अच्छा, ये सब ताज होटल में रखा हुआ है ये सब। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे। 2,10,000 में इसका ऑक्शन हुआ। अच्छा, इसका 2,10,000 में। ये जैसे दरवाजा है, ये रथ है, ये सब ट्रेस होल्डर है, ये बनाया मैं ट्रिया प्लाई अभी कलकत्ता में। अच्छा, ये कलकत्ता के अंदर है, वो साइंस सिटी बाईपास है ना वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े फिगर्स भी बनाए। अंकल बहुत अच्छा लगा आपसे मतलब मिलकर, ये सब चीज़ें आपने बताया ये सब जान के मतलब बहुत अच्छा लगा, और एक फोटो आपके साथ हम जाएंगे।